नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो चारों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि उपचुनाव में पार्टी मंडी संसदीय सीट पर जरूर जीती थी। संगठन सूत्रों की माने तो कांग्रेस मंडी संसदीय सीट को छोड़कर बाकी अन्य सभी सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी के समक्ष इस बार दोहरी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो नए चेहरों को टिकट देने की रहेगी, जबकि दूसरी सत्ता में होते हुए भी चुनाव में जीत कर परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। सूत्रों के माने तो पार्टी एक से दो सीटों पर महिला कार्ड भी खेल सकती है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी भाजपा को मजबूत करने के लिए बिसात जो है वो बिछा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित कई भाजपा नेता भी हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर टोहले रहे हैं कि कौन कहां पर जिताऊ है। एक तरह से ये शुरुआती सर्वे की तरह ही है, जिसके बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग चरणों में औपचारिक सर्वेक्षण करवा सकता है और स्वाभाविक रूप से संभावित प्रत्याशियों पर फीडबैक ले सकता है। बूथ लेवल पर काम करने में विश्वास रखने वाली पार्टी भाजपा लगातार हिमाचल में संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति में 28 विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनमें राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, महेश्वर सिंह, सुरेश चंदेल, किशन कपूर, अनिल शर्मा, महेंद्र सिंह ठाकुर, रामलाल मार्कंडेय, वीरेंद्र कश्यप, राकेश पठानिया, रमेश धवाला, सुरेश भारद्वाज, राजेंद्र गर्ग, सरबीन चौधरी, विजय मनकोटिया जैसे दिग्गज कार्य समिति में शामिल होंगे। तो बीजेपी की क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, आपको सुनाते हैं विक्रम ठाकुर की। नमस्कार, मैं हूं जीवन कुमार और मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए हैं पूर्व सरकार में मंत्री रहे विक्रम ठाकुर जी। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं, 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ स्तर से अपनी तैयारी कर रही है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, केवल मैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री की बात नहीं करूंगा, यहाँ तो मेरा एज ए प्रभारी मुझे लगाया ही है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियाँ और जिस प्रकार का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। सर, इस बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसी लोकसभा क्षेत्र से हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर? ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं, इस जो लोकसभा क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, ये दोनों नए नहीं आए हैं, पहले ये यहाँ के MLA थे और आपको ऐसा लगता है कि इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के कारण से इनकी वोटें बढ़ी हैं। इनकी वोटें बढ़ी नहीं, वो कम हुई हैं, जो लोगों के बीच में बोलकर ये लोग आए थे, जिसके कारण से सरकार बनी है। लोग पूछ रहे हैं इनसे, महिलाएं पूछ रही हैं इनसे, नौजवान पूछ रहे हैं इनसे, किसान पूछ रहा है इनसे, तो इनके कारण से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर नेगेटिविटी बढ़ी है, पॉजिटिविटी कम हुई है कांग्रेस की, इसलिए हम यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। संकल्प पत्र पर सरकार कहती है कि भाजपा ने हमारा साथ नहीं दिया। सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसके बारे में कहीं पर भी इनकार नहीं किया है। हमने उनको ये बोला है कि आप जिस बात को लेकर कर रहे हैं, आप डिफाइन करिए ना राष्ट्रीय आपदा क्या होती है। आप कहीं पर गूगल में जाइए, आप कहीं और पढ़िए राष्ट्रीय आपदा को डिफाइन कैसे किया गया है। राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विशेष पैकेज नहीं मिलता है, विशेष पैकेज मांगना ही पड़ता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप पैसा मांगिए ना, कितना चाहिए, आप राष्ट्रीय आपदा बोली जा रहे हैं। जब हमने बोला कि राष्ट्रीय आपदा को डिफाइन करिए, तो डिफाइन किसी को करना नहीं आता, इसलिए हमने उनकी उस बात को काटा है। लेकिन जहां तक आपदा आई है, जहां पर हिमाचल प्रदेश को सेंटर से केंद्र से कुछ मिलने की बात है, उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। सर, आपदा पर भाजपा कहती कि हमने 862 करोड़ रुपए दिया, जबकि कांग्रेस का कहना है सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही मिले। सर, सच्चाई क्या है? कांग्रेस तो आपके साथ कहीं बोल दिया होगा, वो तो बोलते हैं हमें मिला ही कुछ नहीं है। और
हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा के अंतर्गत जितना भी ऑपरेशन हुआ है, जितना भी रेस्क्यू हुआ है, ये पूरे का पूरा भारत सरकार ने किया है। और समय समय के ऊपर जो इनको पैसा आ रहा है वो सारा भारत सरकार दे रही है। जो केवल पैसा ये चाहते हैं कि वो जो पैसा है मोदी जी इनके हाथ में रख दें, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर टीमें आ रही हैं, वो टीमें असेस करेंगी, असेस करने के बाद क्या वैल्यूएशन आती है उसके अकॉर्डिंगली उनको पैसा मिलेगा। लेकिन जैसी कांग्रेस की आदत है, वो इस प्रकार से चाहते हैं, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, उसी के ऊपर पैसा मिलता है। और मुझे इस बात का दुख है कि एक केंद्र सरकार जो पीएमजीएसवाई में बाकी स्कीमों के अंदर इतना पैसा दे रही है, आप पिछले कल इनको लगभग कोई 200 करोड़ रुपए के करीब दो पुल बनाने के लिए पैसा आया है। तो ये मुझे दुख है कि इतना कुछ आने के बावजूद वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सर, श्वेत पत्र पर इन्वेस्टर मीट और दूसरी जो गारंटियां हैं उन पर सरकार ने बहुत कहा कि बहुत अच्छा हुआ है, फिर भाजपा इतना तलक क्यों सर? श्वेत पत्र जो है, उस श्वेत पत्र के ऊपर मुझे समझाने में कई बार सभी को बताना पड़ता है, विधानसभा के अंदर जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था रखी जाती है तो विधानसभा में सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करके क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। लेकिन ये पहली सरकार ऐसी देखी है जिसने केवल और केवल एक उप मुख्यमंत्री श्वेत पत्र को पढ़ते हैं और उसके ऊपर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होने देते। उस श्वेत पत्र के अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं वो सरासर गलत है। उस श्वेत पत्र के अंदर जो चीजें बोली गई हैं वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हमने तो ये बोला है कि आप इसमें साफ सुथरी बात कहिए, बैठिए, बैठ कर डिस्कस करिए, उसके बाद हम आपकी बात को सुनेंगे और मानेंगे। सर, जनमंच पे भी सवाल खड़े किए? हाँ, बिल्कुल गलत है। जनमंच लोगों की सेवा करने के लिए था। तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री को, जो हमीरपुर लोकसभा सीट से प्रभारी भी हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जो है इस बार भी 2019 की तरह चारों सीटें जो है वो लोकसभा की जीतेगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुशल मोक्टा जी कांग्रेस की तरफ से, चमन राकेश आजता आम आदमी पार्टी, और राजीव पंडित बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। पहले मैं बीजेपी के पास ही जाता हूँ। राजीव पंडित जी, बीजेपी दावा कर रही है कि 2024 की लड़ाई जो है हिमाचल में भाजपा ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई है और उपचुनाव में मंडी सीट भाजपा ने खो दी है, और हमीरपुर सीट जो है वहां से डिप्टी सीएम भी हैं और सीएम भी हैं। किस तरह की चुनौती है भाजपा के सामने? देखिए, जहां तक चुनौती की बात है इस टाइम, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ जितनी जल्दी इस विधानसभा चुनाव के बाद गिरा है वो शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है हमारे हमारे पॉलिटिकल जीवन में भी, कि किसी गवर्नमेंट का ग्राफ एकदम नीचे आ गया। जितनी गारंटियां दी गई सब की सब झूठी पड़ी, कोई अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। उसके बावजूद अगर इन्हें लगता है कि ये जीत रहे हैं तो ख्यालों में जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। हमारे हिसाब से तो इस टाइम हम चारों सीटें जीत रहे हैं, और ये हमारा हिसाब नहीं है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें हर एक बंदे का फीडबैक मिल रहा है और उस हिसाब से हमारी ये चारों सीटें आ रही हैं। ठीक है, भाजपा फीडबैक ले रही है, सर्वे का काम बड़ा मजबूत होता है, बूथ लेवल पे बड़ा मजबूत काम करती है भाजपा। कुशल मोक्टा जी, आपके पास तो इस बार चुनौतियां कई हैं। एक तो सत्ताधारी पार्टी है, जीतना बेहद जरूरी होगा कांग्रेस के लिए, साख दांव पर होगी, चाहे सीएम की बात करें चाहे डिप्टी सीएम की बात करें। जिस सीट से, जो लोकसभा हमीरपुर सीट है, वहाँ भाजपा बेहद मजबूत है, अनुराग ठाकुर वहाँ से आते हैं, लेकिन सीएम वहाँ से हैं, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम हमीरपुर सीट से हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो साख है वो दांव पर रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो आपके जो टिकट देंगे उसमें मुझे लगता है कि नए चेहरों को अगर टिकट देते हैं तो पुराने रूठ जाएंगे, और पुराने मुझे लगता है कि कई सालों से आपके जो उम्मीदवार हैं वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई हैं इस बार? जी देखिए, चुनाव जो होता है ये अग्नि परीक्षा होती है और चुनौतियां तो होती ही है। रही बात चुनाव में हमारे कांग्रेस की तैयारियों की और कांग्रेस की जीत की, तो भाजपा के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांके अपना काम करें, अपने पार्टी को संभाले। उपचुनाव इन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, तब हमने इनको 4-0 से हराया,
फिर इन्होंने विधानसभा में कहा कि हम जीत रहे हैं तो हम इनको 40 सीटें हम ला करके हमने सरकार बनाई, फिर इन्होंने नगर निगम के चुनाव में बोला कि हम जीत रहे हैं, फिर हमने इनका वहां के सफाया किया, तो आज ये लोकसभा के लिए फिर से कह रहे हैं, तो इनका स्वागत है। ये झूठ बोलने में माहिर है। रही बात हमारी, तो हम जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमने ओपीएस की बात की थी, हमने ओपीएस जनता को आज दे दिया है। हमने महिलाओं को 1500 की बात की थी, 250 लाख महिलाओं के लिए शुरू करने का काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम बागवानों को जो है किलो के हिसाब से बेचने पर उनका अपना रेट स्वयं तय करेंगे, वो हमने कर दिया है। और हम धीरे धीरे अपनी हर तरीके से जो सरकार हमने जो बनाई थी, विधानसभा चुनाव तो मुद्दों पर हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है एक जो हमारा नुकसान हुआ है 7 लाख रुपए कुशल जी, मुख्यमंत्री है, पूरा व्यवस्था ही बदल दी है। कुशल जी, गरीब आदमी को विधानसभा चुनाव तो ठीक है, हमारा जो अनाथ है, जो बच्चा जिसका कोई अभिभावक नहीं, सरकार उसकी अभिभावक है, उनके लिए 4 लाख की राशि कर दी है सरकार ने सालाना। तो हर प्रकार से गरीब की, बागवानों की, महिलाओं की, सबकी भागीदारी के साथ सरकार चल रही है। और 4-0 से हम लोकसभा जीतेंगे, मंडी की सीट भी जीतेंगे, और हमीरपुर से माननीय मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, और शिमला संसदीय क्षेत्र से हमारे 3-3 मंत्री भी है और सीपीएस भी है। हम हर सीट जीतने वाले हैं, बाकी जनता ने डिसाइड करना है। अगर वो जनता चाहेगी तो हमें जो है बहुत बड़ा एक जो है मैंडेट यहाँ से मिलने वाला है। अच्छा कुशल मुक्ता जी, बहुत आसानी से कह दिया आपने, लेकिन ठीक है विधानसभा चुनाव अलग थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको मोदी जी से निपटना होगा। इतना आसान लगता है आपको लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी से आप देखेंगे, मोदी जी से लोग आज इतने जो है परेशान है, इतने हताश है, सारी चीजें आपके सामने है। मात्र चुनाव आते ही जो है मंदिरों के अंदर जाना, गुफाओं के अंदर जाना, सेना के बीच वर्दी पहनकर चले जाना, और जो है हर बात जो इन्होंने वादे के 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो आज जनता हमारा युवा समझ चुका है। अग्निवीर बना दिया हमारी सेना के जो युवाओं को, जो इन्होंने व्यापारीकरण करने का काम किया, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए बेरोजगारी आज चरम पर है, 45 वर्षों का एक रिकॉर्ड है। ये सरकार के सरकारी आंकड़े है, मोदी जी की सरकार के विभाग के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। आज बेरोजगारी में हम 1 है। आज आप महंगाई की बात कर लीजिए, उस पर भी हम टॉप वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं। तो हर प्रकार से आज जो है हम बैकफुट पर है, और जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, हमारी जो स्टेट के अंदर सरकार है जो कांग्रेस की बनती जा रही है, कर्नाटक में आप देख लीजिए कितनी बंपर जीत हमारी हुई, अभी तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। तो आज मोदी जी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी जो है एंटी इनकम्बेंसी है, हमें उसका भी फायदा मिलेगा। और हमारे जो शिमला का जो संसदीय क्षेत्र है, मंडी और हमीरपुर है, राहुल गांधी तो कह रहे थे छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, राजस्थान में भी जा रही है, लिटरेसी रेट में हम हिंदुस्तान के 3-4 राज्यों में आते हैं, तो यहाँ मोदी जी का 5-10% फर्क रहेगा। ये बहुत बड़ी एक जो है बात रहती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व है, लेकिन फिर भी 90% यहाँ पर स्थानीय मुद्दे रहेंगे, और उसके दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम मोदी जी के नाम पर इसके अपने ऐसे कोई बड़े नाम पर चुनाव लड़ने वाले नहीं है। ठीक है चमन जी, आपने सुन ली बात, क्या लोकसभा चुनाव में एक तो स्थानीय मुद्दे गूंजेंगे या फिर नरेंद्र मोदी का नाम चलेगा? और एक और सवाल आपसे कि क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में हिमाचल में उतरेगी या नहीं? जी सबसे पहले तो आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर मेरे साथियों को थोड़ा सा इस बारे में देखेंगे, जो पैटर्न होता है वोटिंग का विधानसभा और लोकसभा का, वो बिल्कुल अलग होता है। राजस्थान में अगर आपने पिछली बार देखा होगा तो, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग उसी आंकड़े में पहुंच गई थी, उस समय सरकार नहीं बन पाई थी, और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बाद में जो ऑपरेशन लोटस चला, उसके बाद सिंधिया जी उधर चले गए, लेकिन और राजस्थान में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में पूरे का पूरा जो ये राज्य थे खास करके, वो सारी सीटें भाजपा की झोली में चली। अब आते हैं हिमाचल के उसमें, अब हिमाचल के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, दुर्भाग्य ये है कि जब तक कांग्रेस और भाजपा इस देश पे या इस प्रदेश में राज करेगी, ये उस बेसिक चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश को करना क्या चाहिए या कहां से चल रहा। इस देश में बहुत सारे नेता हुए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता भी हुए, और किसानों के बारे में भी बोलने वाले काफी नेता हुए, लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि जो वर्ग है, निचला वर्ग है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, उसके लिए नीतियां जो बनाने का काम सरकार को करना चाहिए, वो किसी भी दल में अभी तक तो नहीं दिख पा रहा है। अब हिमाचल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा आएगा, ये इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां होगी, आपको पता है कि 2014 के चुनाव में भी लगभग 25-26 मार्च तक जब सर्वे हुए थे तो उसमें 175 के आसपास पे भाजपा दिख रही थी, लेकिन फाइनली वही 270 के आंकड़े को पार कर गई। पिछली बार के आंकड़े हालांकि थोड़े सर्वे में ऊपर जा रहे थे,
लेकिन कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती है भाजपा में, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा संगठन इनके पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस की कमी थोड़ी ये है कि एक परिवार के साथ रह करके, एक परिवार के जो दिशा निर्देश आते हैं उसके साथ ही चलने को मजबूर है, या क्या मजबूरियां हैं वो ये जाने इनकी पार्टी है। लेकिन भाजपा संगठन रूप पे या बूथ लेवल पे जिसको हम लोग कह सकते हैं उसमें काफी स्ट्रांग है, और धन धान्य के रूप में भी इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा समर्थन है। अब आम आदमी पार्टी, मुझे जहां तक अभी तक जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो ये है कि हाँ, गठबंधन किस शेप में आगे जाएगा, लोकसभा तक कैसे बन पाएगा, वहां पर से क्या परिस्थितियां, कौन से स्टेट में, जैसे दिल्ली और पंजाब में बहुत एक टसल चली हुई है कि वहां के लोकल जो कांग्रेस लोग हैं वो चाहते नहीं है कि गठबंधन हो, तो वो ये नेशनल लीडर्स जो वहां पे डिसाइड करेंगे आपस में बैठ करके, उसके बाद हम लोग भी चाहेंगे कि भागीदारी हमारी हो, लोकसभा में हो, लोगों तक अगर ना हो तो कम से कम ये बात पहुंचाने में हम लोग उन तक जाएं कि हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। अगर आप लाइफ उसमें देखेंगे पॉलिटिकली, हो सकता है किसके पास सत्ता है किसके पास नहीं है उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और हम लोग कहाँ पे हैं उसको भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन अगर वैल्यूज में डिग्रेडेशन हो रही है तो इन पार्टियों के कारण हो रही है। अगर गरीबों की लाइफ स्टाइल में आप देख रहे हैं उनको जूझना पड़ रहा है, मजदूरों के लिए बोलने वाला कोई है नहीं, तो उसमें थोड़ा काफी ज्यादा हम लोग पीछे जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं उसमें नीचे जा रहे हैं, हेल्थ केयर जिस लेवल पे होना चाहिए वहां तक गया नहीं, करप्शन के मामले में हाँ वही चीज है जो हमेशा बढ़ती है, चाहे वो कांग्रेस आ रही है भाजपा आ रही है, लेकिन हाँ ये पॉलिटिक्स अब जो थोड़ी ये है कि कोई भी पार्टी हो, इसमें किसी भी पार्टी में हो अगर कोई भ्रष्ट है तो उसको बाहर जाना चाहिए राजनीति। लोगों को बस यही विनती है कि लोग चाहे वो किसी भी दल से संबंधित रखते हो ऐसे लोगों को ना आने दे राजनीति में, अच्छे लोगों को आप चुन के भेजिए बस। ठीक है राजीव पंडित जी, मैं अब आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि बॉलीवुड से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में और मंडी से लेकर बल्द्वाड़ा तक सबकी रुचि होगी। मंडी एक ऐसी सीट है जहां पर प्रतिभा सिंह महिला सांसद हैं और भाजपा की तरफ से खाली है, तो क्या इस बार जो लोग ये खबरें सियासी गलियारों में हैं लोग सुन रहे हैं, क्या सही है, क्या कंगना रनौत को भाजपा जो है वो मंडी संसदीय सीट से उतारेगी क्या? देखिए जो ये टिकट आवंटन का काम होता है ये ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वही तय करेगी और वही बताएंगे कि किसको टिकट देनी है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप कह रहे हैं कि हमने वो सीट खोई थी, हमने बिल्कुल खोई थी वो सीट, लेकिन अगर आप उसके आंकड़े उठा करके देखेंगे तो वो हम जो वो सीट हमने खोई वो नोटा की वजह से खोई। वो ये जो आज हमारे कांग्रेस के जो अपने प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे सरकार बनाई, आप 0.9% की सरकार लेकर के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सरकार आपके साथ है। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं कि मंडी की 10 में से 9 सीटें जो है विधानसभा अगर आप पैरामीटर मानते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और उस हिसाब से मंडी सीट जो है वो बिल्कुल सेफ सीट है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि किसी भी सीट पर पिछड़ रही है, हर एक सीट पर आगे है, और इनकी अपनी नीतियां इनको लेकर के डुबोएंगी। ये कहते हैं कि हमने जी 1500 रुपया दे दिया, कौन सी महिला को दे दिया, हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम आपने वादा किया था उस टाइम ये नहीं कहा था कि हम आज इन्होंने ये कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये तय होगा, और उसी कारण वो कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं। हाँ जी आपकी आवाज कट गई। भाजपा खजाना खाली करके जाएगी सर? अरे भाई साहब सबको सब कुछ मालूम था, कोई खजाना खाली नहीं हुआ, और जिस टाइम वीरभद्र सिंह जी गए थे तब भी खजाने के वही हाल थे, तब भी 49,000 करोड़ का ले गए आप, तो उसके ऊपर भाई साहब वो भी अपना जो ब्याज लगा उसको भी कैलकुलेट कीजिए ना, 45,000 करोड़ के ऊपर ब्याज लगा, बहुत सारा पैसा दिया गया है, वो आंकड़ों का खेल है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आपने 10 गारंटियां दी थी, 10 में से 1 भी पूरी नहीं करी, और उसकी वजह से
ये जो सरकार है, इस सरकार का ग्राफ बहुत जल्दी नीचे गया है और मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में 33 साल का पॉलिटिकल कैरियर हो गया, मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी जो 9 महीने में जिसके अगेंस्ट स्थिति वो है। ठीक है कुशल मोगटा जी, ठीक है इनकी बात का जवाब तो दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप पहले कि भाजपा बहुत मजबूत है मंडी जिले में, विधानसभा चुनाव में आप भाजपा का किला नहीं भेद पाए वहां पर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कंगना को अगर भाजपा उतारती है प्रतिभा सिंह के सामने तो क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कंगना एक बड़ा फेस है, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं और सियासी गलियारों में भी उनकी अच्छी जान पहचान है, पकड़ है, क्या लगता है आपको कि मंडी जिला मुश्किल में पड़ सकता है कांग्रेस के लिए अगर कंगना जैसी कोई दावेदार मजबूत दावेदार आती है तो? देखिए ऐसा है, फिल्में बनाने में और जनता के बीच जो है ना अपनी पहचान बनाने में बहुत दिन रात का अंतर है। फिल्मों में अभिनय करना और जनता के बीच संजीदगी से लोगों की समस्याओं को हल करना, लोगों के बीच ग्राउंड जीरो में रहना, ये दिन रात का अंतर है। हमें नहीं मालूम जो भी होगा, हमें परवाह नहीं है, चाहे जयराम ठाकुर जी स्वयं लड़ ले। हमें तो इतना है कि पहले भी वहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, हमने तब भी रानी प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता जो है ना हमने वहां पर सीट निकाली। अभी चाहिए आपकी 9 सीटें हैं, लेकिन अगर हम जनता के बीच अपनी जो है ना अपनी नीतियों को लेकर जाएंगे, अगर जनता को समझा पाएंगे तो हम अवश्य उस सीट को निकालने का काम करेंगे। रही बात राजीव पंडित जी के जवाबों की, एक कह रहे कि मेरा 33 वर्ष का जो कैरियर है हमने ऐसी जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने इलेक्शन के बाद ही चुनाव जीते हैं नगर निगम के, हम लगातार जो है गरीबों के प्रति जो है ना योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, हम धीरे धीरे पटरी पर प्रदेश को लेकर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा एक ऐसी बात बता दीजिए जो आंदोलन हमारे खिलाफ कोई हुआ हो या कोई हमारे खिलाफ कैसी बड़ी बात हो। 4000 हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां कर दी है, 6500 हम जो टीचरों की भर्तियां अभी नवंबर में करने वाले हैं, 1200 हम अभी जो है ना पुलिस के कांस्टेबल की भर्तियां करने वाले हैं। हम लगातार हर चीज पर आगे बढ़ रहे हैं सर, हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं बनी। आप सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव पर बहस हो रही है, भाजपा को यहाँ से ऐसी सीटें, अनुराग ठाकुर की सीट देख लीजिए कितने सालों से यहाँ पर हुआ है, शिमला की सीट देख लीजिए 15 साल से भाजपा यहाँ पर बैठी हुई है। आप एक ऐसा काम बता दीजिए इनका जो इन्होंने यहाँ पर जो है 15 सालों में किया हो, या ऐसा इनका कोई छाप, इनके जो है ना गांव को गोद में लेंगे, गोद में रह गए, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट तो छोड़ दीजिए, पूरा आपने देखा होगा शिमला कैसे ढहा इस पूरे प्रसाद में, तो ये लोग केवल बड़े बड़े जुमले। ठीक है कुशल मुक्ता जी, ठीक है वक्त की कमी है, चमन राकेश आचार्य जी छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस जो है वो उसके लिए हमीरपुर सीट जो है एक बड़ी चुनौती है क्या? 10 सेकंड में बताइएगा सर, टाइम की कमी है। हो गई है, 4 की 4 सीट राकेश जी यहाँ से मंडी दिल्ली जाएंगे। ठीक है राकेश जी, चमन राकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हमीरपुर सीट जो है कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, 10 सेकंड में पूरा करिएगा, टाइम की कमी है। देखिए अगर सीट वाइज हम चारों का थोड़ा सा वो आकलन करें तो मैं आपको अभी से कह सकता हूँ कि जो अभी की परिस्थितियां, मुझे नहीं पता उस समय पे क्या होगा, शिमला सीट में भाजपा के लिए इस बार बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन भाजपा ये सीट शायद नहीं निकाल पाएगी। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाजपा के जो सांसद रहे हैं यहाँ से उन्होंने एक भी, मुझे नहीं लगता किसी भी विधानसभा में इवन दौरा तक किया हो ढंग से, या वहाँ के वापस आकर के ये 5 साल में शक्ल दिखाई हो। और ऊपर से ये है कि अभी वो जो फैक्टर पिछले थे वो थोड़े नेगेट हो चुके हैं। तो जब आप, अगर आप मंडी की भी देखते हैं, पिछली बार जो प्रतिभा सिंह जी के साथ एक बड़ा फैक्टर था वो वीरभद्र जी की जो सिंपथी थी वो काम कर गई थी, और उस बाई इलेक्शन को बहुत सीरियसली लिया भी नहीं गया था। ठीक है, और नोटा के अलावा मंडी सीट में भाजपा एज पे है इस समय कांग्रेस से, चाहे वो प्रतिभा सिंह जी क्यों ना लड़े। लेकिन चिंता साथ में ये भी है कि अगर कंगना रनौत जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो इससे बड़ा डिजास्टर कोई नहीं होगा। अब हमारे यहाँ ये भी प्रचलन, अच्छा हमीरपुर बता दीजिए आप जल्दी से, हेमा मालिनी जी हो, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जीरो रहता है लगभग। ठीक है, आपने देखा होगा सनी देओल जी हैं वो। चमन जी हमीरपुर सीट का बता दीजिए, टाइम की कमी है, हमीरपुर सीट बड़ी रोचक सीट है, अनुराग ठाकुर आते हैं, 10 सेकंड में पूरा कर दीजिए, वक्त की कमी है जी। सबसे जो मुकाबला होगा, सबसे इस बार का जो टफेस्ट कंटेस्ट है वो ये 2 सीटों को छोड़ करके हिमाचल में कांगड़ा और हमीरपुर पे होगा। हमीरपुर सीट कभी भी इस बार कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो भाजपा की झोली में जाए, क्योंकि इनके अपने झगड़े भाजपा के लगभग शुरू हो चुके हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, तो आप सब मेहमान जुड़े और अपनी बात रखी, 2024 की जो लड़ाई है वो अब शुरू हो गई है और कांग्रेस और भाजपा में बैठकों का दौर जारी हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए जो चुनौती है उसे कैसे पार पाया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, नमस्कार।